नमस्कार दोस्तों सीरीज वन नोट फाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बने रहे अगर नए नए अपडेट्स के लिए कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज मैं आपको एक छोटी सी सूचना लेकर आया हूं रीट दो हजार अठारह से खुश खबर है, है जो सुनवाई है तेरह दिसंबर को हाई कोर्ट के अंदर वो लेवल वन की लेवल टू के रिगार्डिंग बात करूंगा किस प्रकार से सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि दोनों केस से एल और एल वन की एक साथ लिस्टेड हो गए एक डेट में तेरह दिसंबर को जी हाँ तो सबसे बड़ी ये बात है कि दोनों केस एक साथ हो गए हैं तो आ, रीट लेवल टू और वन जिनकी दो दिन बाद सुनवाई होगी दो दिन तेरह दिसंबर को तो रीट लेवल टू का केस राकेश गोदारा का जो कि कोर्ट नंबर सात में राकेश गोदारा वर्सेज राजस्थान गवर्नमेंट ये कोर्ट नंबर किस में है सात में है और जो आ, इसका नंबर है क्रमांक नंबर है नब्बे नंबर पर नब्बे नंबर पर है और जो दूसरा केस है लेवल वन का वो कोर्ट नंबर पांच में जी हाँ दूसरा केस कोर्ट नंबर पांच में उसका बेंच नंबर है नंबर पर है, जी हाँ ये नंबर नंबर पर है कोर्ट नंबर सात में एल टू का और वो है कोर्ट नंबर पांच में एक सौ नंबर पर नंबर काफी है लेकिन अब गवर्नमेंट की अर्ली हायरिंग की अप्लीकेशन से जल्दी सुनवाई हो सकती है पूरी पूरी आशा है कोर्ट नंबर भी अलग अलग है एल टू का इसमें है साथ में एलवन का कोर्ट नंबर पांच में लेकिन उस दिन ए जी साहब फिजिकल फेयर भी करेंगे मजबूती से करें तो हो सकता है वो पहले कोर्ट नंबर सात में सुनवाई करके उसमें से माइनर डेटा लेकर के वो कोर्ट नंबर पांच में जा सकते हैं और वहां भी उस केस की सुनवाई कर सकते हैं जी हाँ और बात करें तो इस प्रकार अगर हो जाए तो स्टे आउट होगा पक्का निश्चित रूप से और नियुक्ति के भी ऑर्डर जारी हो जाएंगे और खाली सीटों की बात करें तो डीपी में भी उसमें सुनवाई में मेंशन में किया था कि एक और लिस्ट पर विचार किया जा सकते हैं हाँ जो खाली सीटें हैं तो उनपे देखते हैं क्या होता है इस पर बहस होती है या नहीं होती है तो जरूर एक और लिस्ट है इसके रिगार्डिंग आएगी थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें लिस्ट आने में एक दो सुनवाई और हो सकती है पर जरूर एक और लिस्ट आएगी तो ये थी आज की ताजा अपडेट धन्यवाद दोस्तों बने रहेगा